तो टेक द क्लास शुरू करें। आज का चैप्टर है कि कैसे आप अपने फ़ोन की बैटरी को बचा सकते हैं। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जैसे ही फ़ोन की बैटरी एकदम ख़त्म होने वाली होती है, हमें या तो कोई ज़रूरी कॉल करना पड़ता है या कोई हमारा ज़रूरी कॉल आने वाला होता है, और उस वक्त हम फ़ोन को चार्जिंग पे भी नहीं लगा सकते क्योंकि चार्जिंग की सुविधा उस टाइम नहीं होती। तो कैसे बचा सकते हैं आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी, यही है आज का टेक तक का टॉपिक, हाउ टू सेव योर स्मार्टफोन बैटरी। सबसे सिंपल स्टेप, अगर पता है कि किस टाइम कॉल आनी है या करनी है, तब तक के लिए आप सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ कर दें। जी हाँ, एकदम बंद कर लें, और जब कॉल आने का वक्त आने वाला हो बस उसी से कुछ सेकेंड्स या एक आध मिनट पहले ही इस फोन को ऑन करें। LTE या ब्लूटूथ जैसे जो आइकन्स हैं वो अगर स्विच ऑन है तो उनको सबसे पहले स्विच ऑफ कर दें, उससे आपकी बैटरी बच जाएगी। फ़ोन के सेटिंग्स में जाएं, मोबाइल नेटवर्क में जाएं, LTE का ऑप्शन होगा उसे ड्रैग करके ऑफ़ कर दें, वहीं NFC भी लिखा होगा उसको भी ऑफ़ कर दें। वहीं अगर फ़ोन के ऊपर जाएंगे और स्वाइप डाउन करेंगे तो ब्लूटूथ का भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा, उस साइन को पहचाने जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं, और उसको टच करें या उसको भी प्रेस करके ऑफ कर दें। अक्सर जब हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे होते हैं तो बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐप्स हमने खोल रखी होती हैं और उनको बस ड्रैग करते हैं और वो स्क्रीन से गायब हो जाती हैं, जिससे कि हमें लगता है कि वो बंद हो गई हैं लेकिन वो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। तो उसके लिए भी आपको बता दें कि ऐप जब कोई खोलते हैं तो उसे उसी टाइम ढंग से बंद करें ताकि वो एकदम बंद हो जाए और बैटरी ना खाए। उसके लिए आप जा सकते हैं सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाते ही ऐप सेक्शन में जाएंगे तो आपको दिख जाएंगे कि कौन सी ऐप्स खुली हैं और उन्हें ऐप तरीके से बंद करें। सबसे यूजुअल, आप सेटिंग्स में जाएं, बैटरी में जाएं, बैटरी में बैटरी सेविंग मोड होगा उसे ऑन कर लें, उससे जितनी भी जो इधर उधर की खपत है बैटरी की आपके फ़ोन में चल रही है वो सब बैटरी सेव मोड में आकर अपने आप बंद हो जाएंगी और बैटरी की जो लाइफ है थोड़ी और बढ़ जाएगी ताकि आपका स्मार्टफोन और थोड़ी देर चल पाए। स्वाइप डाउन करें होम स्क्रीन से और देखें, वहाँ एक बल्ब का साइन होगा या सूरज का, वो है ब्राइटनेस का। जी हाँ, अब ब्राइटनेस को आप एकदम डिम पे ले आए, बस उतना ही ज़रूरत हो जितना कि आप फ़ोन को देख पाएं, इससे काफ़ी हद तक आपकी बैटरी बच जाएगी, और यही नहीं इससे आपकी आंखें भी बचेंगी। स्क्रीन टाइम होता है, जी हाँ, वो टाइम जहाँ आप सेलेक्ट करते हैं कि कितनी देर तक आपकी स्क्रीन जो है वो ऑन रहे, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट। सो इस स्क्रीन टाइम को भी आप, अगर आपने 3 मिनट या 5 मिनट करा है तो उसको सबसे कम पे ले आएँ ताकि स्क्रीन एकदम से ज़रूरत के वक्त ही ऑन हो और एकदम से ऑफ हो जाए जब आप फ़ोन नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि वाइब्रेशन मोड में आपने अगर अपने स्मार्टफोन को डाला है ताकि आपको पता चले कि फ़ोन कॉल आ रही है तो वाइब्रेशन मोड को तुरंत बंद कर दें। वाइब्रेशन मोड में भी जो वाइब्रेशंस आती हैं उससे बैटरी की खपत होती है, तो इस मोड को ऑफ करने से आप बैटरी बचा पाएंगे। होम स्क्रीन पे आपने काफ़ी सारी ऐप्स जो डाउनलोड करी हैं वो दिखती होंगी, उसके विजिट्स जो उनके होम आइकन्स हैं वो दिखते होंगे, उनको आप स्क्रीन में कम से कम रखें। होम स्क्रीन पे ज़्यादा एप्लीकेशंस ना रखें, उनको बल्कि अंदर ही रहने दें। होम स्क्रीन पर उन्हें ही रखें जिनकी ज़रूरत है, क्योंकि जितनी होम स्क्रीन पर आइकन्स रहेंगे उतने ही आपकी बैटरी की खपत स्मार्टफोन की ज़्यादा होगी। स्क्रीन सेवर या वॉलपेपर, जितना भी आप गाढ़े रंग का या डार्क कलर का स्क्रीन लगाएंगे उतनी ही बैटरी की खपत ज़्यादा होगी। जी हाँ, क्योंकि स्मार्टफोन यूजली जो डार्क एरियाज है उसे ब्राइटन अप करने के लिए लाइट यूज़ करता है, जिससे कि बैटरी की खपत होती है। तो जो होम स्क्रीन पे आप जो वॉलपेपर लगा रहे हैं, पिक्चर लगा रहे हैं, वो ब्राइट लगाएं, डार्क नहीं, इससे भी बैटरी बचेगी। तो फिलहाल टेक तक की क्लास में इतना ही। आज हमने आपको कुछ बेनिफिशियल चीज़ बताई कि कहीं फंस रहे हो, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही हो तो ये छोटे से टिप्स का इस्तेमाल करें ताकि बैटरी 4% अगर बचने वाली हो तो थोड़ी 8% तक स्ट्रेच हो जाए और बच जाए और आपका काम समय पे हो जाए और फिर घर जाके आप अपने फ़ोन को चार्ज कर लें। तो फिलहाल टेक तक क्लास में आज का चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं। तो आज हमने बताया आपको कि कैसे आप बचा सकते हैं अपने स्मार्टफोन की बैटरी जब आप अटके हों और बैटरी बची हो सिर्फ 4% और आप फ़ोन को चार्ज भी नहीं कर पाए। कुछ ये टिप्स यूज़ करिए जो हमने आपको आज की क्लास में बताए, तो बैटरी जो है थोड़ी देर और चल जाएगी और आपका काम आसानी से हो जाएगा और फिर घर पहुँच के या जहाँ पे भी चार्जिंग की पॉसिबिलिटी हो वहाँ अपना स्मार्टफोन चार्ज करने लगा दें।